आज हम लोग अपने इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आए हैं, जिसमें हमको ये सीखना है कि हम रेडिस्टेंसेस के केस में जो वैद्युत प्रतिरोध होते हैं उनके परिपथों में वैद्युत धारा और वैद्युत विभवांतर की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम किस प्रकार करते हैं, इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं आपके सामने जो अभी हम लोग करेंगे। टॉपिक क्या हम लोगों का, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस डिस्टेंसेस, प्रतिरोधों के सिरों पर वैद्युत विभवांतर और उनमें बहने वाली वैद्युत धारा की गणना। वैद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब विभवांतर, किसमें हमको निकालना है, अक्रॉस डिस्टेंसेस यानी प्रतिरोधों के सिरों पर। बेसिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखी है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा लिखा लेक्चर में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अर्थात श्रेणी संयोजन में वैद्युत धाराएं क्या होती हैं, एक समान, लेकिन वैद्युत विभवांतर क्या होता है, भिन्न भिन्न। और अगर हम लोग पैरेलल अरेंजमेंट की बात करें तो पैरेलल अरेंजमेंट में विभवांतर होता है एक समान और वैद्युत धाराएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न। पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल अरेंजमेंट विल बी सेम बट इलेक्ट्रिक करंट्स आर डिफरेंट, बट इन सीरीज अरेंजमेंट इलेक्ट्रिक करंट्स आर सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट। अब इसमें बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था, हमारे पास कोई भी दो वैद्युत प्रतिरोध हो, टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उनको हम लोग किसी सेल या बैटरी से अगर जोड़ दें, अब यहां पर एक इलेक्ट्रिक सेल केबल ले लेते हैं, प्लस और माइनस, ये आर वन और ये आर टू, तो सभी लोग जानते हो सेल से आने वाली वैद्युत धारा आई दोनों रेजिस्टेंसेस में क्या होगी, सेम, यानी आर वन में भी धारा क्या होगी आई और आर टू में भी धारा क्या होगी आई, इलेक्ट्रिक करंट इन आर वन एंड आर टू विल बी आई, लेकिन इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा वी वन और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा वी टू। तो ये अरेंजमेंट था हम लोगों ने पढ़ा था, इसको बोलते हो सीरीज अरेंजमेंट अर्थात श्रेणी संयोजन। अगर पैरेलल अरेंजमेंट की हम लोग बात करें, अगर हम लोग पैरेलल अरेंजमेंट की बात करें जिसको समांतर प्रतिरोध या समांतर संयोजन कहा जाता है, तो इसमें हम लोगों ने यह सीखा था कि दोनों रेजिस्टेंसेज आर वन और आर टू में इलेक्ट्रिक करंट्स क्या होगी, डिफरेंट यानी अलग अलग, आई वन और आई टू, लेकिन ए से बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा सेम। इस अरेंजमेंट को हम लोगों ने बोला था पैरेलल अरेंजमेंट, अर्थात समांतर संयोजन। तो दोनों में डिफरेंस एक बार फिर से आपके सामने है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सीरीज में करंट क्या होती है सेम, श्रेणी संयोजन में विद्युत धारा एक समान, लेकिन अगर पैरेलल की बात करो, समांतर संयोजन की बात करो, तो धाराएं क्या होती हैं अलग अलग, I1 और I2। तो इस वाले केस में R1 में करंट कितनी I1, R2 में करंट कितनी I2, और इस वाले केस में R1 और R2 दोनों में करंट कितनी है I। तो ये अरेंजमेंट कहलाता है सीरीज और ये अरेंजमेंट कहलाता है पैरेलल। अब कई बार बच्चों क्या होता है, हम लोगों से क्वेश्चन में कैलकुलेशन कराता है कि गिवन डिस्टेंस में या तो करंट को फाइंड आउट करो और या तो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात वैद्युत विभवांतर की गणना करें। तो इसके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनको हमको ध्यान देना है कि कैसे हम लोग निकालेंगे सीरीज और पैरेलल में करंट और वोल्टेज। इसके दोनों तरीके होते हैं, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो बाय द मेथड ऑफ किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियमों की सहायता से कैलकुलेशन करी जाए, और दूसरा इसका प्रोसेस होता है ओम्स लॉ यानी ओम के नियम से इसकी कैलकुलेशन की। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं कि हमारे पास कोई भी दो रेजिस्टेंस है, उनको हम लोगों ने पैरेलल में जोड़ा, टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यहां पर ये 2 ओम, यहां पर ये 3 ओम,
प्लस माइनस, और सपोज दैट एक 10 वोल्ट का सेल है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, और आपको अगर ये पूछा जाता है कि फाइंड आउट करंट इन 2 ओम एंड 3 ओम, 2 ओम और 3 ओम में धारा बताइए, विद्युत धाराएं कितनी होंगी, तो सबसे पहले सेल से करंट कितनी है आई, पॉइंट ए पर आकर के ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक आई वन और एक आई टू, जिसमें से जो आई वन करंट है वो 2 ओम में पास होगी और आई टू करंट किसमें पास होगी, 3 ओम में, और ये दोनों धाराएं आई वन और आई टू पॉइंट बी पर मिल करके फिर से एक करंट बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं आई। आई को बोला जाता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, यहां पर ये 2 ओम, यहां पर ये 3 ओम, आई वन और आई टू, और ये सेल लगा हुआ है कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि 2 और 3 ओम दोनों का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, पैरेलल, तो 2 ओम पैरेलल विद 3 ओम, सो 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 1 बाई 2 1 बाई 3, टोटल आया 5 बाई 6, सो आर डैश इज इक्वल टू आया 6 बाई 5 ओम। अब बैटरी का ईएमएफ हमारे पास कितना है, 10 वोल्ट, तो E इज इक्वल टू 10 वोल्ट। सभी लोग जानते हो अगर हमको किसी परिपथ में नेट धारा निकालना हो, नेट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, तो हम लोग करंट का फार्मूला लेते हैं I इज इक्वल टू E अपॉन आर डैश। E का मतलब होता है टोटल ईएमएफ और आर डैश का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस, तो E कितने वोल्ट का है, 10, और आर डैश का मीन्स टोटल रेजिस्टेंस मीन्स 6 बाई 5, इसको हम लोगों ने यहां पर कर दिया, तो 10 × 5/6, तो यहां पर ये आ गया 25/3, और इसकी यूनिट क्या है, एम्पीयर। इस प्रकार हम लोगों ने सर्किट में ये निकाल लिया कि टोटल करंट कितने एम्पीयर का है, तो टोटल करंट है 25/3 एम्पीयर। तो मान लो अगर क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछा जाता है कि फाइंड करंट इन द सर्किट, तब तो बड़ा आसान है करंट निकालने का फार्मूला। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस R1 R2 को सॉल्व करके, और उसके बाद में जो सेल का ईएमएफ होगा विद्युत वाहक बल उसको कंसीडर करेंगे, और फार्मूला क्या लगाएंगे, I इक्वल टू E अपॉन R डैश। अब हम लोग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलते हैं। जैसे हमसे इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2 ओम और 3 ओम में धाराएं क्या है, करंट सिन 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम और 3 ओम में बहने वाली विद्युत धारा ज्ञात करिए, तो इसके दो नियम, एक तो होता है किरचॉफ का नियम, सिग्मा I इज इक्वल टू 0 से सॉल्व कर सकते हो, दूसरा होता है ओम्स लॉ, जिसको बोलते हो ओम का नियम। ऊपर वाला करंट कितने ओम का है, 2 ओम का, नीचे वाला करंट कितने ओम का, 3 ओम का, तो यहां पर हम लोगों ने लिखा 2 ओम, यहां पर हम लोगों ने लिखा 3 ओम, और सर्किट को हमने ऐसे बना लिया, और यहां पर जो टोटल करंट है हमारे पास 25/3 एम्पीयर, उसको हम लोगों ने ऐसे लिखा। 2 ओम में करंट को क्या रेट किया है, I1, और 3 ओम में करंट को क्या रेट किया है, I2, और अब हम लोगों को निकालना है I1 और I2। तो सबसे पहले I1 I2 निकालने के लिए टोटल करंट होनी चाहिए I, अगर I नहीं दिया है किसी क्वेश्चन में तो हम लोग I को फाइंड आउट कर लेंगे इस तरीके से, अगर डायरेक्ट उसमें आई को दे दिया है तब तो हमारे लिए क्वेश्चन और आसान है, हमको आई की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब 2 ओम और 3 ओम में हमको निकालना है करंट। हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ का फार्मूला कि वोल्टेज ए और बी का सेम है, ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी दोनों पैरेलल में है, इसलिए इनका वोल्टेज सेम होगा। तो सब लोग बेसिक फार्मूला जानते हो, आई प्रोपोर्शनल 1/R। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट होती है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपाती, तो इसी को हम लोगों ने लिख लिया I1 रेशियो I2 दैट इज इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2। ये R1 और ये R2, ये I1 और ये I2, क्या फार्मूला लगाया, आई प्रोपोर्शनल 1/R। इसी को हम लोगों ने लिखा I1 रेशियो I2, R1 की जगह 2 ओम, R2 की जगह 3 ओम, तो यहां पर ये लिखा I1 रेशियो I2, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है बेटा 6, यहां पर लिखा 3 रेशियो 2। यहां तक का तरीका सबको समझ में आ गया, I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू कितना बन गया 3 रेशियो 2, और अपॉन कितना हो गया 6। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है दोनों रेजिस्टेंसेस में इलेक्ट्रिक करंट,
यानी वैद्युत धारा की गणना करनी है तो इसका एक सिंपल सा मेथड होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आई वन इज इक्वल टू, पहली वैल्यू कितनी है 3, तो यहां पर लिखोगे 3 अपॉन दोनों का टोटल कितना 3 to 5, यानी कि चलो एक बार लिख देते हैं 3 + 2 और इनटू टोटल करंट, और टोटल करंट कितनी है 25/3 एम्पीयर। तरीका सबको समझ में आ गया कैसे हम लोगों ने निकाला। सबसे पहले क्या करोगे यहां पर, सबसे पहले पहली वैल्यू है कितनी 3, तो यहां लिखा 3 अपॉन दोनों का टोटल, तो 3 + 2 ये लिख दिया इनटू टोटल करंट, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, यहां पर ये आ गया 25 अपॉन 3 to 5, तो यहां से ये रिजल्ट आ गया 5 एम्पीयर। कितने एम्पीयर? 5 एम्पीयर। अब उसके बाद में हमको क्या निकालना है I2, तो I2 के लिए हम लोगों ने क्या किया, दूसरी वैल्यू 2 अपॉन, उसके बाद में हमारे पास रिजल्ट क्या है, दोनों का टोटल 3 + 2 और इनटू टोटल करंट, और टोटल करंट है 25/3, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा तो ये हुआ 25 × 2 और 3 + 2 5, और ये हुआ 5 × 3, इसको हम लोगों ने देखा तो ये आया 5, तो ये आया 10/3, और यहां पर यूनिट क्या बन गई एम्पीयर, दिस इज द वैल्यू ऑफ I2। इसका मतलब ये हुआ कि जो I1 हमारे पास आया है वो 5 एम्पीयर, जो I2 आया है वो 10/3 एम्पीयर, और रिजल्ट बड़ा क्लियर है। अगर हमको चेक करना हो कि टोटल करंट जो हमारे पास है वो इन दोनों के सम के बराबर है कि नहीं, तो हम लोगों ने I1 + I2 कर दिया, I1 की वैल्यू है 5, I2 की वैल्यू है 10/3, तो ये हो गया 15 + 10/3, तो ये आ गया 25/3। आप लोग देख सकते हैं जो हम लोगों ने टोटल करंट शुरुआत में निकाली थी, यहां पर हमने जब इस मेथड को चेक करना चाहा कि हमारे पास I1 I2 की जो वैल्यूज आई है वो 25/3 एम्पीयर के बराबर है कि नहीं, जैसे ही हमने इन दोनों को लिख करके ऐड किया तो रिजल्ट हमारे पास में आ रहा है 25/3, और यहां पर भी कितना है 25/3। इसका मतलब जो रिजल्ट अभी हम लोग निकाल रहे हैं या जो कैलकुलेशन अभी हम लोग कर रहे हैं वो कैसी है हमारी, सही है, और हम लोगों ने जो I1 और I2 की वैल्यूज निकाली वो कैसी निकाली, एग्जैक्ट निकाली। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या निकाला, 2 ओम में धारा कितनी I1, 3 ओम में धारा कितनी I2, और जब दोनों करंट्स या धाराएं हमारे पास I1 I2 आ गई तो हम लोगों ने बेसिक रूल लगा करके I प्रोपोर्शनल 1/R से आंसर को किया, और यहां पर R1 R2 की जगह 2 और 3 को रखा, LCM को सिंपलीफाई किया, रिजल्ट आपके सामने है। बस यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, जब I1 को निकालोगे तो पहली वैल्यू कितनी है 3 अपॉन दोनों का टोटल, 3 + 2 कितना 5, और अपॉन में फिर उसके बाद में क्या किया इनटू टोटल करंट, और टोटल करंट है कितनी 25/3। जब I2 हम लोगों ने निकाला तो सेकंड वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 अपॉन 3 + 2 कितना 5 इनटू 25/3, तो आंसर कितना आया 10/3 एम्पीयर। तो बड़ा इजी मेथड है, इस मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं वैद्युत धाराएं, इलेक्ट्रिक करंट्स, किसमें R1 और R2, नोट कर लो। तो बच्चों अभी हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यानी वैद्युत विभवांतर की गणना अगर R1 R2 में करना चाहें तो हम लोग किस प्रकार V1 और V2 को नोट करेंगे, I1 और I2 को कैलकुलेट करेंगे अगर हमको इलेक्ट्रिक करंट को निकालना हो। अब एक क्वेश्चन जैसे आपके सामने ही है, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन, यहां पर लिखा है 1 ओम और यहां पर लिखा है 2 ओम, और ये इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ है प्लस माइनस, जिसका EMF है E, और इस बार हमने आपके काम को सिंपल कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट को दे दिया 2 एम्पीयर, और ये I1 और ये I2, और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है I1 और I2 की वैल्यू को हमको काउंट करना है। तो कैसे I1 I2 की वैल्यू हमको काउंट करेंगे, अभी हमने आपको तरीका क्या बताया, ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल, तो दोनों रेजिस्टेंसेज आपस में कैसे हैं पैरेलल, और पैरेलल में इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है अलग अलग, तो ये करंट I1 और ये करंट कौन सी I2, I1 और I2। और अगर हम लोग बात करें बिंदुओं की, तो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। अब क्या करना है I1 और I2, तो कैसे आप लोग निकालोगे, टोटल करंट हमारे पास कितनी है, टोटल करंट यानी कुल धारा I हमारे पास कितना है 2 एम्पीयर, I प्रोपोर्शनल 1/R, और I प्रोपोर्शनल 1/R से फार्मूला क्या बना, I1 = I2 = 1/R1 = 1/R2,
तो आई वन रेशियो आई टू बराबर वन बाई वन रेशियो वन बाई टू, टोटल एलसीएम कितना आया टू, ऊपर कितना टू रेशियो वन, आई वन रेशियो आई टू, तो आई वन बराबर टू अपॉन टू प्लस वन कितना थ्री, और इनटू टोटल करंट, और टोटल करंट हमारे पास कितना है बेटा टू एम्पियर। तो यहां पर आई वन इज इक्वल टू आ गया फोर बाई थ्री एम्पियर। ठीक है, सबको करंट निकालना समझ में आया, आई वन इज इक्वल टू कितने एम्पियर आया फोर बाई थ्री एम्पियर, इस वाले में जो करंट आएगा वो चार बटे तीन एम्पियर। अगर दूसरे वाले का डिस्टेंस की हम लोग बात करें तो आई टू इज इक्वल टू सेकेंडरी वैल्यू हमारे पास कितनी है वन अपॉन दोनों का टोटल, तो टू प्लस वन कितना थ्री, और इनटू टोटल करंट हमारे पास कितना है टू, दैट मींस आई टू इज इक्वल टू हमारे पास जो रिजल्ट आया वो टू बाई थ्री एम्पियर। तो कौन कौन सी करंट हमारे पास आ गई, आई वन इज इक्वल टू फोर बाई थ्री एम्पियर और आई टू इज इक्वल टू टू बाई थ्री एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि दो ओम में धारा इलेक्ट्रिक करंट इन टू ओम दैट इज इक्वल टू आई वन इज इक्वल टू फोर बाई थ्री एम्पियर, और अगर हमको निकालना हो तीन ओम में धारा इलेक्ट्रिक करंट इन थ्री ओम तो हम लोग क्या लिखेंगे आई टू इज इक्वल टू टू बाई थ्री एम्पियर। तो इस प्रकार इस नियम की सहायता से हम लोग पैरेलल अरेंजमेंट में क्या निकाल सकते हैं वैद्युत धाराएं, चाहे नंबर ऑफ डिस्टेंसेस कितने भी हो, प्रतिरोधों की संख्याएं चाहे कितनी भी हो, और हमको क्या निकालना हो विद्युत धाराएं। तो बेसिक फार्मूला हमारे पास में क्या है, सबसे पहले हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे आई वन रेशियो आई टू इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन रेशियो वन अपॉन आर टू। इस मेथड का सिग्निफिकेंस और तब अच्छा समझ में आता है जब नंबर ऑफ डिस्टेंसेस को हम लोग क्या कर लें बढ़ा दें। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन हम प्रचार क्लास से भी सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हो, सिंपल है, थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस होगा, अगर आपकी स्पीड अच्छी है एक्यूरेसी है तो आप प्रचार क्लास से भी कर सकते हो। अगर हम लोग बाई किरचॉफ्स लॉ से इस क्वेश्चन को देखना चाहें तो हमको ये पता चलेगा कि पॉइंट ए पर आई वन और आई टू दोनों एक साथ हैं, तो पहले लगाओगे समली का नियम यानी जंक्शन लॉ आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई, देयर फोर आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू टू एम्पियर। क्वेश्चन नंबर वन आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू टू एम्पियर, दैट इज क्वेश्चन नंबर वन। और दूसरा तरीका क्या होता है लूप लॉ, या इसको बोलते हो लॉ ऑफ वोल्टेज, और इसका फार्मूला क्या बनेगा वन इंटू आई वन माइनस टू इंटू आई टू और इज इक्वल टू कितना होगा जीरो, मींस यहां से आएगा आई वन इज इक्वल टू टू आई टू। ऐसे आप किरचॉफ के रूल से इलेक्ट्रिक करंट्स को सिंप्लीफाई करते हो, I1 की वैल्यू अगर आप यहां पर पुट अप कर दोगे तो 2I2 पुट इन इक्वेशन 1, अगर आप इसको यहां पर रखोगे तो 2I2 प्लस I2 और इज इक्वल टू कितने एम्पियर 2, तो 3I2 इज इक्वल टू 2 मींस I2 इज इक्वल टू 2 बाई 3 एम्पियर, ये I2 आ गया। और अगर आपको क्या लिखना था I1, तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में अगर पुट कर दें तो आई वन इज इक्वल टू टू आई टू, और जब टू आई टू की बात करोगे तो टू बाई थ्री मीन्स टोटल रिजल्ट आ गया फोर बाई थ्री एम्पियर। ये फॉर्मूला सबको समझ में आया, आई वन इज इक्वल टू कितना फोर बाई थ्री एम्पियर, आई टू इज इक्वल टू कितना टू बाई थ्री एम्पियर, दोनों अगर आप एड करो तो आई वन प्लस आई टू तो फोर प्लस टू सिक्स बाई थ्री डिवाइड करोगे टू एम्पियर जो आपके पास में टोटल करंट है। तो ये लॉ कहलाता है किरचॉफ लॉ। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि किरचॉफ के लॉ में और जो पीछे रेशियो मेथड हमने लगाया दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन है डिफरेंस, वहां पर प्रोसेस थोड़ा इजी होता है और यहां पर प्रोसेस में दो इक्वेशंस को हमको बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसा आपको क्वेश्चन समझ में आए आप वैसा एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो करंट्स को निकालने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप पहले वाले मेथड को प्रेफर करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और कैलकुलेशन भी बड़ी आसानी से हो जाएगी। और सेकंड मेथड था क्या, अभी हमने आपको बताया था, दोनों मेथड आपके सामने बोर्ड में है तो आपको जल्दी अंतर समझ में आ जाएगा। सेकंड मेथड में बस डायरेक्ट हमको क्या करना था, एक फार्मूला यूज करना था आई वन रेशियो आई टू इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन रेशियो वन अपॉन आर टू, और उसके बाद बस आर वन आर टू की वैल्यू को रखना था वन ऑल टू,
तो आई वन एसी हो आई टू इज इक्वल टू वन बाई वन वन बाई टू। आगे का काम अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है, जस्ट अभी हम लोगों ने नोटिस किया था आई वन आई टू की वैल्यू को यहां से निकाला था। तो ये सेकंड मेथड है प्रोपोर्शन मेथड, अनुपातिक विधि से या ओम्स लॉ की हेल्प से और ये किरचॉफ लॉ की हेल्प से, दोनों मेथड आपके सामने हैं। इसमें से ज्यादा इजियर होता है कि ओम्स लॉ के यूज से हम लोग किसकी कैलकुलेशन करें, आई वन और आई टू की कैलकुलेशन को करें। सबको अंतर क्लियर हो गया दोनों में। अब जैसे यहां पर अगर नंबर ऑफ डिस्टेंसेस को बढ़ा दिया जाए, प्रतिरोधों की संख्या को अगर हम लोग बढ़ा दें, जैसे यहां पर हमारे पास कोई भी ब्लॉक बना हो उसमें अलग अलग रेजिस्टेंस इस प्रकार के जुड़े हो ऐसे, और यहां पर एक सर्किट बना हो जो कि एक सेल से जुड़ा है जिसका विद्युत आपल ईएमएफ इलेक्ट्रिक करंट आई है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, यहां पर ये आई वन, ये करंट आई टू और ये करंट आई थ्री, और आपसे कहा जाए कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस हमारे पास में है 2 ओम 3 ओम और 1 ओम, इनमें आप करंट को फाइंड आउट करो। तो अगर आप इस कैलकुलेशन को देखें, यहां पर आपको इजी कैलकुलेशन करने के लिए आई की वैल्यू हमने ले ली है 10 एम्पीयर। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहां पर दो प्रतिरोध ना होकर के तीन प्रतिरोध हैं। Here are three resistances are connected in the circuit, और हमको क्या निकालना है, तीनों में इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अगर आप इस पूरे प्रोसेस की बात करो तो अगर आप इसमें किरचॉफ का रूल अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा काम हमारे लिए ज्यादा बढ़ जाएगा। आप ए पर जब लगाओगे जंक्शन का लॉ तो लिखोगे आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इज इक्वल टू आई, जो कि कितने एम्पियर के बराबर है, 10 एम्पियर के। और अगर आप यहां पर लूप लॉ लगाओगे तो एक लूप नंबर 1 और एक लूप नंबर 2, एक ऊपर वाला लूप लेना पड़ेगा हमको, एक नीचे वाला लूप लेना पड़ेगा, और तब कैलकुलेशन को हमको करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए काफी लॉन्ग प्रोसेस है। एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। किसी भी एक रेजिस्टेंस में अगर करंट को पूछे तो भी हमको काम पूरा ही करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है हम रेशियो मेथड लगाएं या ओम्स लॉ जिसको बोलते हो उसकी हेल्प से हम आई वन आई टू आई थ्री को निकाल लें। तो अगर हम यहां पर सेकंड मेथड की बात करेंगे तो फार्मूला भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आई प्रोपोर्शनल बना पाना। यहां से अगर हम तीनों धाराओं का अनुपात निकाल लें आई वन आई टू आई थ्री तो 1/2, 1/3, 1/1, आर वन आर टू आर थ्री की वैल्यू हम लोगों ने रख दी। अगर एलसीएम ले लो 3 to 1 का तो कितना आया 6, ऊपर कितना आया 3, यहां पर कितना 2, यहां पर कितना 6, क्या चल रहा है आई वन आई टू और आई थ्री। अब क्या वही तरीका, ध्यान से, आई वन इज इक्वल टू पहली वैल्यू यानी 3 अपॉन दोनों का टोटल, तीनों का टोटल 3 + 2 + 6 ठीक, और इनटू टोटल करंट, और टोटल करंट हमारे पास कितनी है 10 एम्पीयर। तो यहां पर ऊपर कितना आ गया 3 × 10 अपॉन कितना हुआ बोलो 6 + 2 8, 8 और 3 11, तो यहां पर ये आया 30/11 और इलेक्ट्रिक करंट है तो यहां पर क्या लिखोगे आई वन इज इक्वल टू 30/11 एम्पीयर। सबको तरीका समझ में आ गया। अगर हमको आई टू लिखना हो इसी प्रकार सिमिलरली आई टू इज इक्वल टू, तो सेकंड वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 अपॉन तीनों का टोटल 3 + 2 + 6 और इनटू टोटल करंट कितना 10, तो ये आया 20/11 एम्पीयर, दिस इज आई टू। और अगर हमको क्या लिखना है आई थ्री, तो आई थ्री इज इक्वल टू थर्ड वैल्यू कितनी है 6 अपॉन तीनों का टोटल 3 + 2 + 6 और इनटू टोटल करंट कितना 10, तो आई थ्री इज इक्वल टू आया 60 अपॉन और ये कितने एम्पीयर हुआ 11 एम्पीयर। इस प्रकार हम लोगों ने क्या निकाल लिया आई वन आई टू और आई थ्री, अगर आप तीनों को ऐड करके देखो तो 30 + 60 90 और 90 और 20 110, और 110 अपॉन अगर 11 हम डिवाइड करें तो हमारा टोटल आंसर अभी कितना आ रहा है बोलो 10 एम्पीयर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो रिजल्ट ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं और तीनों रेजिस्टेंसेस में जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो आई वन आई टू और आई थ्री होगी। इस प्रकार हम लोग क्या निकाल सकते हो पैरेलल में रेजिस्टेंसेस में विद्युत धाराएं या इलेक्ट्रिक करंट्स। और सभी लोग जानते हो करंट्स के अलावा अगर वोल्टेज आपसे पैरेलल में पूछेगा नहीं, अगर पूछ भी देता है तो सब लोग जानते हो पैरेलल में वोल्टेज यानी विभवांतर क्या होता है, एक समान
तो जो भी गुणांतर होगा दो में वही तीन में वही किस में एक में दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। नोट कर ले क्वेश्चन को फटाफट। अब बच्चों ये देखो ध्यान से समझिए इस फिगर को। जैसे पहले वाले केस में हम लोगों ने R1 R2 यानी दो ओम और तीन ओम को जोड़ा है पैरेलल में, ये प्रतिरोधों का केस है, केस ऑफ रेजिस्टेंसेस। और अगर आप इस वाले केस की बात करो तो ये कैपेसिटर यानी संधारित्रों का केस है। यहां पर दो माइक्रोफेरेड और तीन माइक्रोफेरेड को किसमें जोड़ा है, सीरीज में। यहां पर दोनों रेजिस्टेंसेस को किसमें जोड़ा है, पैरेलल में। और यहां पर दोनों संधारित्रों को किसमें जोड़ा है, सीरीज में। ये दोनों क्वेश्चन जब आप एक साथ करोगे तो आपको दोनों में अंतर क्लियर हो जाएगा। और एक बात आप याद रखना कि R1 R2 के केस में जब धाराएं निकालना हो पैरेलल में, इसमें पैरेलल यानी समांतर संयोजन में अगर वैद्युत धाराओं की गणना करनी हो, प्रतिरोधों का केस बता रहे हैं, किसका, रेजिस्टेंसेस का, रेजिस्टेंसेस के सर्किट में अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े हो और हमको क्या निकालना हो, I1 और I2, तो हम लोग रेशियो मेथड का यूज करते हैं। और अगर यही न्यूमेरिकल या यही क्वेश्चन कैपेसिटर्स का हो और यहां पर दो और तीन माइक्रोफेरेड के दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हो, कोई भी हो सकते हैं दो और तीन नहीं, बस सीरीज में जुड़े हो, और हमको क्या निकालना हो, वोल्टेज यानी प्लेटों के बीच का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम लोग रेशियो मेथड का यूज करते हैं। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो अनुपातिक विधि ले रहे हैं रेशियो मेथड, इसका यूज कहां कहां करते हैं। R1 R2 के क्वेश्चन में इसका यूज कब करोगे, जब R1 R2 उसमें जुड़े हो पैरेलल में। और C1 C2 में इसका यूज कब करोगे, जब C1 C2 किसमें जुड़े हो, सीरीज में। ठीक है, देखिए दोनों को एक साथ, तब एक क्वेश्चन को आप यहां अटेम्प्ट करोगे दोनों को तो आपको और अंदर क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने दो बार लगा लिया है, बड़ा आसान है। क्या करेंगे, हमको I1 I2 निकालना है, तो फार्मूला क्या लगाओगे, I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 1 बाय 3, I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 3 रेशियो 2 बाय 6, I1 इज इक्वल टू 3 अपॉन दोनों का टोटल 3 टू 5 और इनटू कितना है करंट टोटल 2, तो ये कितना आ गया बोलो, 6 बाय 5 बन गया। ठीक, और अगर हमको क्या निकालना होता I2, तो I2 इज इक्वल टू कैसे निकालते, सेकंड वैल्यू 2, दोनों का टोटल कितना 5 और इनटू टोटल करंट अपनी हमारे पास कितना 2, तो ये आ जाता 4 बाय 5 एम्पीयर। अंतर क्लियर हुआ, 6 बटे 5 एम्पीयर, 4 बटे 5 एम्पीयर, ये हम लोगों ने निकाल लिया क्या, I1 I2। इस वाले क्वेश्चन में आओ, यहां पर हमको क्या निकालना है, V1 ratio V2, फार्मूला हमको क्या जानते हैं, सिंस V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन C, देयरफॉर V1 ratio V2 1 अपॉन C1 ratio 1 अपॉन C2। ये C1 कितना है 2 माइक्रोफेरेड और C2 कितना 3 माइक्रोफेरेड, तो यहां पर इसको ऐसे रख दिया। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, V1 ratio V2 1 by C1 की जगह 1 by 2, 1 by C2 की जगह 1 by 3, LCM लोगे V1 ratio V2 that is equal to 3 और 2 का LCM कितना आएगा बेटा 6, यहां पर कितना आएगा 3 ratio 2, थोड़ा ध्यान देना। अब हमको निकालना है V1, V1 क्या है 2 microfarad का potential difference, तो V1 is equal to same वही तरीका, first value 3 दोनों का total 3 to 5 इनटू बैटरी का वोल्टेज, तो यहां पर ये आया 10, तो ये V1 is equal to आ गया कितने वोल्ट, 6 वोल्ट। तरीका समझ में आया, यहां पर किसका मल्टीप्लाई करते थे, टोटल करंट का, किस न्यूमेरिकल में, R1 R2 के केस में। यहां पर किसका मल्टीप्लाई हमने किया, बैटरी के वोल्टेज का, किस केस में, C1 C2 के केस में। ठीक है, सबको समझ में आ गया। ऐसे अगर हम लोग V2 की वैल्यू को निकालें तो सेकंड वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा 2, दोनों का टोटल कितना 5 और इनटू बैटरी का वोल्टेज कितना 10, तो यहां पर V2 इज इक्वल टू आ गया 4 वोल्ट। तो V1 इज इक्वल टू कितने वोल्ट आया, 6 वोल्ट, और V2 इज इक्वल टू कितने वोल्ट आया, 4 वोल्ट। यानी 2 माइक्रोफेरेड में पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का है, 6 वोल्ट का,
और 3 माइक्रोफेरेड में पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का है, तो आंसर है 4 वोल्ट का। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर क्लियर हो रहा है सभी को, दोनों क्वेश्चन में रेशियो मेथड कब कब लगाते हैं ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई ये बताएं। बड़ा आसान था, R1 R2 किसमें होने चाहिए, पैरेलल में, और क्या निकालनी हो, धाराएं, करंट निकालना हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन किसका है, C1 C2 का, और हमको क्या निकालना है बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2, और दोनों संधारित्र आपस में कैसे जुड़े हों सीरीज में, तो हम लोग क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड। नोट कर ले क्वेश्चन को। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन है, 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोधों को पैरेलल में जोड़ा गया समांतर संयोजन में, और इनके साथ 1 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा गया। कौन कौन पैरेलल में, 2 और 4, और सीरीज में कौन है, 1 ओम, और हमको क्या निकालना है, हमको कैलकुलेट करना है तीनों रेजिस्टेंसेस में वैद्युत धाराएं, इलेक्ट्रिक करंट्स। आपके एग्जाम में जो पार्ट आए आप कर सकते हो, हम लोग एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके चलते हैं ताकि हमको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। बाकी जो पार्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार का, आप वहां तक क्वेश्चन को करोगे। पूरा क्वेश्चन लगाने से एक बेनिफिट क्या होगा कि आपको पूरे क्वेश्चन का सही कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का, आई का, सारी चीजें इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगी, तो आपको बार बार मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अभ्यास कर लोगे चीजें रिविजन में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हमको ये टर्मिनल दिया है ए, ये बी और ये सी, हम लोगों को कैलकुलेट क्या क्या करना है, हम लोगों को बेटा कैलकुलेट करना है आई वन आई टू और टोटल करंट आई, साथ में हमको फाइंड आउट करना है ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस और बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सब विभवांतर निकालने हैं सारे रेजिस्टेंसेस के और वैद्युत धाराएं निकालनी है, बड़ा आसान है। सबसे पहले 2 और 4 को उसमें करोगे पैरेलल में, तो 1 upon R1 is equal to 1 by 2 1 by 4, एलसीएम कितना आया 4, यहां पर कितना आया 2 plus 1 means 3 by 4, दैट इज 1 upon R1, सो R1 is equal to 4 by 3। अब 4/3 के साथ 1 किसमें होगा सीरीज में, तो 4/3 ohm, 1 ohm, ये दोनों सीरीज में हैं, सो टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/3 plus 1 4 plus 3/3 means 7/3, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 7/3। कुल प्रतिरोध निकालना सबको समझ में आ गया, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये दोनों किसमें पैरेलल में, क्योंकि दोनों में करंट अलग अलग है, इनको सॉल्व कर लिया इस प्रकार, उसको रेजिस्टेंस को आर वन एड कर लिया, और इस पूरे के साथ 1 ओम किसमें सीरीज में, तो 7/3 टोटल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट का। पहला आंसर क्लियर हो गया। अब क्या निकालना है, टोटल करंट। टोटल करंट निकालने का तरीका जानते हो, अगर आपको किसी परिपथ में कुल धारा निकालना है तो आई बराबर फार्मूला होता है टोटल ईएमएफ यानी कुल विद्युत वाहक बल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस अर्थात कुल प्रतिरोध। तो अगर हमको यहां पर टोटल ईएमएफ की बात करो तो सेल कितने वोल्ट का है, 5 वोल्ट, दैट इज 5, और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास में आया है 7/3, तो ये आ गया 15/7, और मात्रक हो गया एम्पियर, तो आई बराबर आ गया 15/7 एम्पियर। आई बराबर क्या आ गया, 15/7 एम्पियर। दो आंसर निकल आए, पहले आपको क्या निकालना था, टोटल रेजिस्टेंस, आंसर आया 7/3 ओम, फिर क्या निकालना था, टोटल करंट, I is equal to 15/7 एम्पियर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कई बार क्लास में ऐसे क्वेश्चन लगवाए जा चुके हैं आपको, I निकल आया। अब हमको क्या निकालना है, करंट्स, क्या निकालना है, करंट्स। अगर हम करंट निकालने की बात करें तो 2 ओम और 4 ओम समांतर में है तो धाराएं अलग अलग होगी, और 1 ओम पूरे के साथ सीरीज में है तो इसमें करंट क्या होगी, आई होगी, जो कि सेल की करंट है, ये आई वन ये आई टू दोनों यहां मिलकर के फिर से क्या बना देंगे, आई, जो कि सेल की करंट है, ठीक है। तो इसको तो करने का तरीका आप लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं, 2 और 4 ओम में अगर आपको निकालना हो, थर्ड पार्ट यहां से, सेकंड पार्ट ये था, फर्स्ट पार्ट आपका ये था, ठीक।
अब हमको एक काम करना है कि ये दो ये चार अलग से डायग्राम बनाते हैं, ये दो ये चार ओम, ये ऊपर वाले में करंट कितनी आई वन, नीचे वाले में करंट कितनी आई टू, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, और हमको क्या निकालना है आई वन और आई टू। बड़ा आसान है, अभी हमने पढ़ा था ये आर वन आर टू का केस है, आर वन आर टू के केस में रेशियो मेथड कैसे लगाते थे, वन अपॉन आर वन रेशियो वन अपॉन आई वन रेशियो आई टू बराबर एक बटे आर वन रेशियो एक बटे आर टू, आर वन की जगह कितना रखोगे टू, तो आई वन रेशियो आई टू इज इक्वल टू वन बाई टू, आर टू की जगह क्या रखोगे फोर, फोर और टू कैल्सियम क्या आता है टू, तो आई वन रेशियो आई टू इज इक्वल टू फोर और टू कैल्सियम फोर, तो यहां पर यह आया टू रेशियो वन। अब कैसे कैलकुलेशन करोगे, आई वन इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू कितनी टू अपॉन दोनों का टोटल टू प्लस वन थ्री और इनटू टोटल करंट, और टोटल करंट हमारे पास में आई है 15 बटे 7 एम्पियर, तो 15 बटे 7 इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया ये 5, तो ये आई वन इज इक्वल टू आ गया 10 बाई 7 एम्पियर। बगैर किरचॉफ के नियम के हम लोगों ने आई वन और आई टू की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, तो कितना आया 10 बाई 7 एम्पियर। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है I2, तो अगर I2 की वैल्यू को निकालोगे तो I2 इज इक्वल टू सेकंड वैल्यू कितनी 1 अपॉन दोनों का टोटल कितना 3 और इनटू टोटल करंट हमारे पास में 15 बटे 7 एम्पीयर, फिर से इसको हम लोगों ने कैंसिल कर लिया तो I2 बराबर आ गया हमारे पास में 5 बटे 7 एम्पीयर। ये दोनों आंसर क्लियर हुए, तो हम लोगों ने टोटल कितने डेटा निकाली है, तीन रिजल्ट निकाली है। पहले क्या निकालना था टोटल रेजिस्टेंस R equivalent 7 बटे 3 ओम, फिर क्या निकालना था परिपथ में कुल धारा टोटल करंट I बराबर 15 बटे 7 एम्पीयर, फिर क्या निकालना था दोनों प्रतिरोधों में बहने वाली धाराएं इलेक्ट्रिक करंट्स इन बोथ रेजिस्टेंसेस। तो आंसर आपके सामने है, पहला आंसर 10 बटे 7 एम्पीयर और दूसरा आंसर 5 बटे 7 एम्पीयर। इस प्रकार हम लोगों ने क्या निकाल लिया I1 और I2 की वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इतना जब सारा डेटा हमारे पास में आ गया, I1 I2 की वैल्यू हमारे पास में आ गई, ठीक है I1 I2 की वैल्यू हमारे पास में आ गई, I की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा एक चीज और जानते हो, वन ओम में अगर करंट की बात करोगे तो वन ओम में करंट होगा I और I बराबर हमारे पास था 15 बटे 7 एम्पीयर। लिखते हैं वन ओम में धारा I इज इक्वल टू 15 बटे 7 एम्पीयर, सब में करंट आ गया। ठीक, इसमें कितनी थी I1, इसमें कितनी I2, इसमें कितनी I, I1 कितना था 10 बाई 7, I2 कितना था 5 बाई 7 और उसके बाद में नेट I कितना है 15 बाई 7। ठीक, फोर्थ पार्ट में याद रहे। अब हमको निकालना है VAB, VAB का मतलब A और B का पोटेंशियल डिफरेंस। बड़ा आसान है, अगर आप VAB की बात करोगे तो ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो आई इंटू आर ए बी। क्यों हमने ऐसे किया, इतना जो सर्किट है AB वो BC के साथ सीरीज में है, AB BC के साथ सीरीज में है, तो जो विभवांतर होगा AB का वो अलग होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और जो विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा BC का वो अलग होगा, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं अलग अलग, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस से अलग होगा। तो VAB इज इक्वल टू I इनटू RAB। अच्छा RAB अभी हम लोगों ने निकाला है 2 और 4, 2 और 4 का टोटल अभी हम लोगों ने पीछे किया था 1 by 2 plus 1 by 4, LCM कितना आया था 4, कैंसिल करके निकाल लेंगे आप 1 upon RAB इज इक्वल टू 1 by 2 1 by 4, LCM आ गया 4, ऊपर आया ये 3 by 4 1 अपॉन आर ए बी, सो आर ए बी इज इक्वल टू आ गया 4 बाई 3। ये निकाला था ना पीछे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम लोगों ने कर लिया। तो बच्चे सोच रहे होंगे कहां पे है आर ए बी, तो ऐसे निकाला जाएगा। अच्छा आई क्या है टोटल करंट, टोटल करंट हमारे पास लिखी हुई है 15 बाई 7 और आर ए बी टोटल डिस्टेंस को 4 बाई 3, 3 से इसको कैंसिल कर दिया 5, तो ये आया 20 बाई 7 और यूनिट हमारे पास क्या होगी बेटा वोल्ट।
तो ए और बी का अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बात करें विभवांतर, तो आंसर कितना आएगा 20/7 वोल्ट। सबको समझ में आ गया। अब हमको निकालना है बी और सी का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अक्रॉस बीसी, यानी वीबीसी, वीबीसी भी उसी प्रकार निकलेगा, वी बराबर आई आर, आई की जगह टोटल करंट और आर की जगह आर बी सी, और आई की जगह हमारे पास में है 15/7 और आर बी सी आपको पता है 1, ये रिजल्ट हमारे पास में है 15/7। वीबीसी दैट इज इक्वल टू 15/7 और यूनिट क्या होगी वोल्ट। सारी कैलकुलेशन हमारे पास में हो गई। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, फिर हम लोगों ने क्या निकाला, सारे रेजिस्टेंसेस में वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट्स, फिर हम लोगों ने क्या निकाला हर रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वैद्युत विभवांतर वो किस प्रकार निकलेगा। तो विभवांतर के लिए फार्मूला V बराबर आई आर, करंट के लिए फार्मूला I प्रोपोर्शनल 1/r, और सारे रिजल्ट कैसे हम लोगों ने निकाले समरी आपके सामने है। पूरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर लग रहा है कि हमको अभी नहीं आया तो आप दोबारा फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर से दोबारा आप इसको रिवाइज करें तो आपको अच्छी तरह सारी कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगी, तब आप इसको घर में सॉल्व भी कर लें, और इस प्रकार का कोई दूसरा क्वेश्चन अगर दिया हो तो हम लोग उनके क्या निकाल सकते हैं आंसर्स। ठीक है ना, नोट कर लें फटाफट। तो बच्चों अब हम लोग को कुछ क्वेश्चन ऐसे करने हैं जो इन्हीं कॉन्सेप्ट में बेस है, जैसा कि अभी हमने दिया ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप सॉल्व करेंगे, इनके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में सब लोग लिखेंगे कि आपने इनका आंसर क्या निकाला, अपने आप इसकी प्रैक्टिस करना। जैसे पहले क्वेश्चन में दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हैं, एक सेल लगा है, आपको निकालना है टोटल करंट और वी वन और वी टू के मान। दूसरे वाले में दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े हैं, एक सेल लगा है, आपको निकालना है आई वन और आई टू की वैल्यू और टोटल रेजिस्टेंस। और तीसरे वाले क्वेश्चन में 3 और 4 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं, आपको निकालना है परिणामी धारिता, टोटल कैपेसिटेंस और क्या निकालना है V1 और V2 के मान। सभी को समझ में आ गया, ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस करी, आप लगा सकते हो उन क्वेश्चंस को, बड़े आसान है, हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस क्लास में कई बार प्रैक्टिस करी भी है, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर को अपने आप निकाल करके इनके आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो आज आप ये सारे कॉन्सेप्ट को तैयार कीजिए और इन सब में आई वन आई टू वी वन वी टू की कैलकुलेशन कैसे की जाती है इसके तरीके को आप दोबारा फिर से घर में सॉल्व करिए। किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उसको दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अपनी तैयारी को आप जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए, ठीक है, जिससे आपके एग्जाम अच्छे हो सकें और आपका पेपर बेहतरीन हो, इसलिए आप लगातार घर में रिविजन को भी करते रहिए। तो अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।